नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो सपने का मतलब अर्थ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम आपको हर बार बताते हैं कि जो आप सपने देखते हैं उन सपनों से आपको आने वाले भविष्य में शुभ और अशुभ फल मिल सकते हैं। आपको सपनों से मिले संकेतों के आधार पर यह पता करना आना चाहिए कि आपको कब शुभ फल मिलेंगे और कब अशुभ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सपने अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के फल दे सकते हैं, लेकिन कुछ सपने विशेष रूप से बहुत अच्छी यानी शुभ प्रवृत्ति के होते हैं। आज हम ऐसे ही सपनों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपको आने वाले समय में अच्छी किस्मत, धन लाभ होने का संकेत देते हैं। यदि आप ऐसा देखते हैं कि आप सपने में दर्पण के अंदर अपने आप को निहार रहे हैं, देख रहे हैं, तो ऐसा सपना उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है जो कि लव लाइफ से जुड़े हुए हैं। ऐसा सपना जिसे आता है उसकी लव लाइफ अच्छी होती है और आने वाले समय में उनको प्यार में सफलता मिलती है। ऐसा सपना जिस किसी को आता है उसे अपना मनचाहा जीवन साथी पाने में सफलता मिलती है। यदि आपको ऐसा सपना आता है कि आप सपने में किसी के बाल काट रहे हैं या बाल कटते हुए देख रहे हैं, तो ऐसे में आपके जीवन में जो भी चिंताएं, परेशानियां आ रही हैं उनका निवारण होगा, वो दूर होंगी और आगे आने वाले समय में आपको सफलता मिलेगी। यह विशेष रूप से स्टूडेंट्स और उन लोगों के लिए अच्छी बात है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। सपने में यदि आप ऐसा देख रहे हैं कि आप अपने खुद के बाल काट रहे हैं, तो आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए, सोच समझकर धन का व्यय करना चाहिए, अन्यथा आपको आगे आने वाले जीवन में नुकसान हो सकता है। सपने में यदि आप बारिश यानी बरसात देखते हैं, तो ऐसा सपना देखने वाले के जीवन में हर प्रकार की आर्थिक तंगी दूर होगी। आने वाले समय में आपको धन लाभ होगा और बहुत अच्छी मात्रा में होगा। इसलिए यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं और आपको बारिश का सपना आता है, तो आपको आगे आने वाले समय में कई मार्गों से धन की प्राप्ति होने वाली है, इसलिए आप चिंता मुक्त रहें। इसके अलावा यदि आप सपने में बरसात देखते हैं, तो ऐसे में आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं और जो भी चिंताएं और तनाव हैं वह दूर होने वाले हैं। सपने में यदि आप पान खाते हैं या पान का पत्ता देखते हैं, तो ऐसे में यह माना जाता है कि आप पर लक्ष्मी जी की कृपा बनी हुई है। ऐसे में आने वाले समय में आपको बहुत सारे धन की प्राप्ति होगी और आगे आने वाले जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। सपने में यदि आपको चांद के दर्शन होते हैं यानी कि चंद्रमा के दर्शन होते हैं, तो ऐसा सपना देखने वाले के जीवन में सुख शांति आती है, उसकी किस्मत अच्छी होती है और आने वाले समय में हर प्रकार की चिंता परेशानी दूर होती है, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है। तो मित्रों, ये वो सपने होते हैं जो कि अति शुभ माने जाते हैं। तो ये थी आज की जानकारी, आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।